हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल मैम की पढ़ाई. स्टूडेंट्स, दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ सिविक्स डेमोक्रेसी एंड दिस इज योर सेकंड लेक्चर. की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी मींस डेमोक्रेसी के इम्पोर्टेंट फीचर्स. द फॉलोइंग आर द सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स दैट कंटिन्यू टू मेक डेमोक्रेसी पॉपुलर इन द कंटेम्पोररी वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी को पॉपुलर बनाने में ये जो भी की एलिमेंट दिए गए हैं इसी के थ्रू डेमोक्रेसी पॉपुलर बनती है. इसमें नंबर वन पॉइंट है फॉर्मल इक्वालिटी. इक्वालिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में सबसे मेन चीज होती है वो इक्वालिटी होती है. इट इम्प्लाइज इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल. सबके लिए इक्वल स्टेटस रहेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज रहेंगी. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द गवर्नमेंट शैल नॉट डिनाई टू मेनी सिटीजन्स इक्वालिटी बिफोर द लॉ. और इंडियन गवर्नमेंट हमेशा कहती है कि कभी भी वो किसी भी व्यक्ति के जो इक्वालिटी है लॉ के आगे उसको वो डिनाई, वो इनकार नहीं कर सकती. वो सबको इक्वल मानती है. एग्जाम्पल में बताया गया है कि देखिए, हम लोग देखते हैं कि अगर कोई भी पावरफुल बिजनेसमैन हो तो इनमें से कोई भी हो, अगर उनकी कोई भी गिल्टी पता चलती है तो वो कोर्ट जरूर जाता है. और उसमें अगर उसकी गलती सामने आ जाती है, प्रूफ हो जाती है, तो उसको कोई ना कोई पेनाल्टी जरूर दी जाती है या उसको पनिश किया जाता है. तो इसलिए ये देखा गया है कि हम सभी के लिए, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, कोई भी फिल्म स्टार हो, कोई भी नेता हो, सबके लिए इक्वल होता है हमारा कानून. नेक्स्ट, वाइटल रोल ऑफ पीपल इन डिसीजन मेकिंग. हमारी डेमोक्रेसी में सारा डिसीजन जो होता है वो पीपल के हाथ में होता है, लोगों के हाथ में होता है. सिंस द पीपल हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस एंड हैव अ से इन इट. और इसीलिए डेमोक्रेसी में जो डिसीजन होते हैं लोगों के ही हाथ में होते हैं. और ये इसलिए होते हैं क्योंकि लोगों को कुछ भी कहने की या अपने विचारों को व्यक्त करने की छूट होती है. नेक्स्ट इज इनहेंसिंग ह्यूमन डिग्निटी. जो ह्यूमन डिग्निटी होती है मींस लोगों की जो महत्व होता है उसको ये इन्हेंस करती है, रेज करती है. किस चीज के थ्रू? डेमोक्रेसी के थ्रू. डेमोक्रेसी इन्हेंसेज ह्यूमन डिग्निटी बिकॉज इट इज अ रूल बाय द पीपल देमसेल्स. क्योंकि इसमें सभी लोग स्वयं ही राज कर रहे होते हैं, उन्हीं लोगों के थ्रू ही यहाँ पर डेमोक्रेसी फॉर्म हुई है. इसी वजह से डेमोक्रेसी में लोगों का सम्मान, मान सम्मान हमेशा बढ़ जाता है. नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन. सिग्निफिकेंस मीन्स इम्पोर्टेंस. कॉन्स्टिट्यूशंस की जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाती है. ये ऐसे बढ़ जाती है कि वन फीचर दस डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इज दैट इन अ डेमोक्रेसी द रूलर्स आर नॉट फ्री टू डू व्हाट दे लाइक. डेमोक्रेसी में रूलर्स वो काम करने के लिए फ्री नहीं होते हैं जो उनको पसंद है. इस डेमोक्रेसी में लोगों, रूलर्स को वो काम करना होता है जो लोगों को पसंद होता है. दीज रूलर्स एंड लॉज आर रिटन डाउन अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज गवर्न. और इसमें रूल्स जो होते हैं और जो लॉज होते हैं वो सारे के सारे जो रूलर्स होते हैं उनके लिए लिखे गए हैं और सभी लोगों के लिए लिखे गए हैं, जिसकी वजह से किसी एक कंट्री में, देश में सरकार चलती है. देयर आर एक्सेप्शंस लाइक द यूके. दिस रिटन डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन. और केवल एक ऐसा यूके ही है जहां पर, जिसे आप ब्रिटेन के नाम से भी जानते हैं, जहां पर जो राजशाही तंत्र चलता है इस वजह से वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं माना जाता है. लेकिन बाकी जितने भी जगह डेमोक्रेसी है वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को माना जाता है, उसी के अकॉर्डिंग ही वहां पर सरकारें चलती हैं. और जो ये लिखा हुआ जो डॉक्यूमेंट्स है इसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. सो स्टूडेंट, नाउ आई एम एंडिंग माई वीडियो हियर.